गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कल हम चल रहे थे 4.1 पर, जिसमें कुछ दो तीन क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए थे। आज उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर एक तो अपन ले लेते हैं इसमें से, 7th, जो दिखने में थोड़ा भयानक सा नजर आ रहा है उसी को ले लिया जाए। आपकी क्लास है 11, चैप्टर चल रहा है 4th, एक्सरसाइज 4.1 एक ही है। अब क्वेश्चन नंबर ले लिया अपने 7, तो 7th में अपना है 1, 3 plus 3, 5 plus 5, 7, 5, 7 and the next last value 2n minus 1 into 2n plus 1 equals n into 4n square plus 6n minus 1 upon 3 of ये हमें प्रूव करनी है कि जो आइडेंटिटी है वो सही है। लेट्स सी सही है कि नहीं देख लेते। एन इक्वल्स टू 1 के लिए पहला केस अपन इसी के लिए स्टडी करते हैं। एन इक्वल्स टू 1 तो एलएचएस में तो अपन केवल फर्स्ट टर्म लेते हैं। एक सेकंड थोड़ा मैं इनके वॉल्यूम कम कर लूं जिससे कि रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम ना। एन इक्वल्स टू 1 के लिए लें तो एलएचएस है हमारे पास 1 into 3 यानी 3, और अब आरएचएस में लें तो एन की जगह 1 पुट किया, 1 into 4 into 1 square plus 6 into 1 minus 1 upon 3। तो आप देख रहे हैं कि 4 plus 6 10 में से एक गया 9, बाहर वाले एक से गुणा हुआ तो भी 9, 9 में 3 का भाग किया 3। तो हम कहेंगे LHS बराबर RHS, तो इसका मतलब है n बराबर 1 के लिए दी गई सर्वसम्मिति का सत्य है। इसलिए n equals to 1 के लिए सर्वसमिका सत्य है। द गिवन आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू 1, इसका मीन ये। अब एन इक्वल्स टू के लिए मान लेते, माना सर्वसमिका सत्य है। लेट फॉर एन इक्वल्स टू के इट वुड बी ट्रू, तो अपन क्या लिखेंगे, 1, 3, 3, 5, 5, 7 से लेकर 2k-1, 2k+1, k, 4k² + 6k-1 upon 3 और फर्स्ट पहला परिणाम है। मतलब यह है कि जहां जहां n था वहां हमने क्या रख दिया है k, और मान लिया है कि ये सही। अब जो तीसरा केस आता है वो अपना किसके लिए आता है, n इक्वल्स टू k प्लस 1 के। तो लेते हैं अब इसके लिए लिया जाए, तो जब अपन इसके लिए लेते हैं तो क्या करते हैं, ये जो परिणाम है इसमें या तो n की जगह k प्लस 1 रखा जाए, या फिर जो ये दिखाई दे रहा है, दो तरीके सिखाए थे कल आप दोनों प्रश्न में अलग अलग, ये जो परिणाम है इसमें इसका अगला पद जो इसमें k प्लस 1 रखने से बनता है वो जोड़ दिया जाए और वो इस तरह का होना चाहिए, ये मतलब है कहने का। तो आइए देखते हैं,
लेफ्ट हैंड साइड जो है ये वाली, इसमें आपने लिखा 1 3 + 3 5 + 5 7 ये है, और पहले से इसमें लिखा हुआ है 2k - 1 और 2k + 1। इसमें क्या जोड़ दिया जाए, इससे अगला पद जो k प्लस वन की वजह से बनेगा, तो अपन यहां k की जगह k प्लस वन रीड करें या n की जगह k प्लस वन रीड करें, तो हाँ तो जैसे अपन यहां n की जगह k प्लस वन पढ़े तो जरा ध्यान दे, 2 (k+1 - 1) दिखेगा ये वाला ब्रैकेट, यानी 2k + 2 - 1 दिखेगा यानी 2k+1, और ये क्या बनेगा 2 (k+1 + 1) यानी 2k + 2 + 1 यानी 2k+3। तो मुझे अगला पद क्या जोड़ना होगा वो यहां से अपने आप पता चल रहा है, यानी इधर क्या है किया 2k + 1 और 2k+3 ये, तो फिर इधर भी क्या बनना चाहिए वो देख लें, मैं एक बार समझा दूं कि बनना क्या चाहिए, k की जगह तो क्या बनना चाहिए k+1, और इधर 4k + 1 whole square + 6k + 1 - 1/3 ये बनना चाहिए, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लें। अब मैंने ये LHS नहीं रखी है, यो मान लीजिए कि हमें ये साबित करना है, प्रूव करना है, दिख रहा है परिणाम ये साबित करें, तो ये साबित करने के लिए हम क्या करें, LHS ले लेते हैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड, LHS ली मैंने, LHS में आप नोटिस करें यहां से लेकर यहां तक का परिणाम तो हमें पहले से ही मालूम है, जरा फर्स्ट में देखो ये चीज किसके इक्वल, ये रख दिया जाए इसकी जगह के 4k² + 6k - 1/3, और इससे आगे क्या है 2k + 1 और 2k+3 ये हमें सिद्ध करना है, ध्यान रखना वी हैव टू प्रूव दिस, साबित करना है, तो मैंने जो सिद्ध करना है उसके LHS ले लिया लेफ्ट हैंड साइड यहां तक ले लिया, और उसमें से जो स्टार्ट के या के तक के पद थे उनका मान यहां से उठा लिया परिणाम एक से, ये चीज इसके इक्वल थी जो मैंने याद रखा। अब लघुत्तम चुना जाए LCM, तो लेते हैं LCM, ये लघुत्तम आएगा जो इन दोनों के प्रोडक्ट से इंटू होगा, के तो इन तीनों से इंटू है, 4k³ + 6k² - k, और 3 जो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट से है, 4k² + 6 + 2 (8k + 3), ये मैंने ब्रैकेटों का आपस में गुणा लिख दिया, 2k² (2k) × 4k² (2k³ × 6k) = 1 (2k + 6k) = 2k + 6k + 2k (8k) और 1 (3) × 3, और अपॉन में चल रहा था 3 जो लघुत्तम है। अब हमारे पास क्या बन रहा है, 4k³ अकेला है, 6k² और इधर से 12k² - k और इधर से 24k और +9 अपॉन में बन रहा है, तो ये बना 4k³ + 18k² + 23k + 9 अपॉन, ठीक है। अब सिचुएशन ये आ गई है कि ये आंसर इस तरह से कैसे सेट करें, तो सेट करने की जरूरत नहीं है, RHS को सॉल्व कर दो,
और ऐसा बना के दिखा दो, तो अपन कह देंगे ये दोनों आरएचएस एक ही बात है। आरएचएस हमारे पास क्या है, के प्लस वन बाई थ्री तो बाहर चल रहा है और ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा है, फोर इंटू के प्लस वन का होल स्क्वायर खोलो तो के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन और प्लस सिक्स का अंदर इंटू करो तो सिक्स के प्लस सिक्स और माइनस वन ये चल रहा है। अब जरा इसे एडजस्ट कर ले, मॉडिफाई के प्लस वन बाय थ्री इंटू ये अंदर इंटू करें तो फोर के स्क्वायर प्लस एट के प्लस फोर प्लस सिक्स के प्लस फाइव। अब इस के का पहले एक बार थोड़ा और एडजस्ट कर ले, फिर दिखाए अंदर इंटू फोर के स्क्वायर अकेला एट प्लस सिक्स फोर्टीन और फाइव प्लस फोर नाइन। ठीक है, आप चाहें तो इसके फैक्टर करके भी दिखा सकते हैं, के की जगह माइनस वन रख दे तो जीरो बन जाएगा के प्लस वन, लेकिन कुछ पछड़े में न जाए आप तो के का अंदर इंटू करें। इस के का इन तीनों से किया तो क्या बना, फोर के क्यूब फोर्टीन के स्क्वायर प्लस नाइन की, और अब इस वन का भी तीनों से करें फोर के स्क्वायर फोर्टीन के प्लस नाइन और अपॉन में क्या चल रहा है थ्री। देखिए फोर के क्यूब अकेला फोर प्लस फोर्टीन एटीन, एटीन के स्क्वायर नाइन के प्लस फोर्टीन ट्वेंटी थ्री के प्लस नाइन अपॉन थ्री। जरा चेक करो एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर है, और यदि ऐसा होता है तो ये दी गई सर्व समीका एन के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। एलएचएस और आरएचएस अपने दोनों बराबर आ गई, इसलिए एन बराबर के प्लस वन के लिए भी आइडेंटिटी यानी सर्व समीका सत्य है। इसलिए एन के प्रत्येक मान जो प्राकृत संख्या से मिलते हैं के लिए सत्य है। इट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये इसका मतलब है जो मैंने लास्ट में लिखा। तो ये इसका तरीका हुआ, यानी कई बार आप ऐसे सिचुएशन में अटक सकते हैं कि यहां ऐसा आ जाए वो आरएचएस से अपना मैच नहीं करता दिखाई दे, तो आरएचएस को सॉल्व कर दे और इसके जितना सिंप्लीफाई करके ले आए तो दोनों एक जैसे दिख जाए तो समझ जाइए कि अपनी सर्व समीका सत्य, वरना फिर कहे एग्जाम में ऐसे का ऐसा ही दिखाओ नहीं साहब हम तो यहां तक पहुंच गए, ये चीज यहां है। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में ले जाओ, इसको ऐसे लिख दो फिर इसको ऐसे लिख दो फिर इसको ऐसे, इसको ऐसे, आपका काम हो तो बुक के अनुसार जो सिचुएशन बनती है वो एडजस्ट हो जाएगी। समझ में आ गई बात, तो ये हमारे हाथ में ही है। तो ये थोड़ा भयानक टाइप का क्वेश्चन था जिसको अपन ने सॉल्व किया। अब अगला लेते हैं नेक्स्ट, इलेवेंथ ले लिया जाए, क्वेश्चन नंबर इलेवन। वन अपॉन वन टू थ्री प्लस वन अपॉन टू थ्री फोर, एक एक आगे बढ़ते चले जाना है थ्री फोर फाइव, ऐसे ही लास्ट टर्म में जाएंगे तो एन एन प्लस वन एन प्लस टू और ये चीज इक्वल में आरएचएस है अपना एन इंटू एन प्लस वन अपॉन फोर एन प्लस वन एन प्लस टू।
ये इस तरीके की। तो आइए हम इसको भी हल करके देख लेते हैं। एन बराबर एट के लिए अब थोड़ा रफली ले लेते हैं प्रॉपर लैंग्वेज की जगह। तो एल एच एस क्या है अपनी, वन अपॉन वन इंटू टू इंटू थ्री मतलब एट बटा छ इंटू कर दिया थी ना। और आर एच एस में एन की जगह वन पुट कर दें तो वन इंटू वन प्लस थ्री अपॉन फोर इंटू टू इंटू थ्री, तो ये फोर से फोर कटिए वन अपॉन सिक्स। तो एल एच एस बराबर आर एच एस, तो अपन कह देंगे कि n इक्वल टू वन के लिए दी गई सर्व समीका सत्य है। अब n बराबर दो के लिए लेते हैं, तो k के लिए मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि ये सत्य है। इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या लिखोगे, वन टू थ्री से लेकर वन अपॉन के, के प्लस वन और के प्लस टू लिखोगे इधर, और इधर k इंटू के प्लस थ्री अपॉन फोर इंटू के प्लस वन के प्लस टू लिख। अब अपने को इसमें दोनों पक्षों में नेक्स्ट टर्म जोड़े ऐड करें। अब देखो एक तरीका वो ले लिया जिसमें एलएचएस से आरएचएस लेके आ रहा। अब मैं आरएचएस को सॉल्व करके ही प्रॉपर तरीके की बना लेता हूं, यानी एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए अपने को प्रूव करना होगा। तो क्या प्रूव करना होगा, पहले जो प्रूव करना है वो देख लें। k k प्लस वन k प्लस टू, इसमें अगली टर्म आएगी वन अपॉन k प्लस वन k प्लस टू k प्लस थ्री, और इधर बनना चाहिए k प्लस वन k प्लस वन प्लस थ्री अपॉन फोर इंटू k प्लस वन प्लस वन और k प्लस वन प्लस टू, यानी जहां जहां एन था मैंने वहां वहां के प्लस वन पढ़ा, यानी ये चीज ये बननी चाहिए। अब ये बनाने के लिए अपन क्या करें, इसके लेफ्ट हैंड साइड को डिस्कस कर लेते। दिख रही है एलएचएस, ये एलएचएस ये है अपनी यहां से यहां तक, वो तो लाना है आंसर है, तो वो लाने के लिए आरएचएस को डिस्कस कर। अब आरएचएस को डिस्कस करते हैं तो उसमें फर्स्ट रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये किसके लिए, के के लिए, और यहां वन से लेकर के तक के मान ये होते हैं इनका सम। तो मैं यहां से लेकर यहां तक के लिए ये लिख सकता हूं। तो आरएचएस को अपन ने चेंज किया के इंटू के प्लस थ्री अपॉन फोर इंटू के प्लस वन के प्लस टू, ये तो यहां से लेकर यहां तक का। अब उसमें ऐड हो रहा है ये फर, तो वो भी लिख लो के प्लस वन के प्लस टू और के प्लस थ्री। अब इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखिए सॉल्व करने के लिए अपन करते हैं इनमें जो कॉमन आता है पहले वो बाहर निकाल दें। के प्लस वन के प्लस टू का ब्रैकेट यहां और यहां दोनों जगह, तो हमने इसको बाहर निकाल दिया, वन अपॉन के प्लस वन और के प्लस टू के ब्रैकेट आउट। तो अब अंदर आइए, यहां बच रहा है के के प्लस थ्री अपॉन फोर, प्लस इधर बच रहा है के प्लस थ्री, एलसीएम ले लिए जाए वन अपॉन के प्लस वन के प्लस टू एज इट इज, अंदर एलसीएम है फोर इंटू के प्लस थ्री, ये दोनों एलसीएम में डाल दिए। ऊपर आ रहा है ये इससे इंटू होगा तो के इंटू के प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस फोर, ये इसका जवाब है। ये वन अपॉन k प्लस वन k प्लस टू एज इट इज था, और इसके इंटू में नीचे ये डला हुआ है फोर इंटू के प्लस थ्री,
और अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। k इंटू के स्क्वायर प्लस सिक्स के प्लस नाइन प्लस फोर, तो अब नीचे के मिटा लें। तो ये हमारे पास k अंदर इंटू कर दो k क्यूब सिक्स के स्क्वायर नाइन के प्लस फोर, और नीचे ये बन रहा है फोर इंटू के प्लस वन के प्लस टू और के प्लस थ्री। ठीक है, नीचे यहाँ के प्लस टू और के प्लस थ्री के ब्रैकेट तो है, इसका मतलब के प्लस वन का ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। तो इसके फैक्टर करेंगे तो इसमें के प्लस वन बाहर आ जाएगा। देखो कैसे फैक्टर करके मैं दिखा देता हूं। तीन बार लिखा मैंने के प्लस वन को और इन तीनों की मदद से ये बना रहा, तो के क्यूब का बनेगा जब इसको किससे इंटू कर दिया जाए, के स्क्वायर से। के स्क्वायर का के से इंटू के क्यूब और के स्क्वायर का वन से इंटू के स्क्वायर, जबकि चाहिए कितने हैं तो अपन यहाँ फाइव के और डालेंगे। तो ये और ये के स्क्वायर एड होकर सिक्स के स्क्वायर, यहाँ फाइव के यहाँ नाइन के, तो फोर। इसका मतलब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जब मैं k प्लस वन इसमें से कॉमन लूंगा तो k स्क्वायर प्लस फाइव के प्लस फोर बचेगा। ये इसके फैक्टर है और नीचे है फोर इंटू के प्लस वन के प्लस टू और k प्लस थ्री, इसका मतलब एक ब्रैकेट तो विदाउट। अब इसके फैक्टर और कर लिए जाए, k प्लस फोर और k प्लस वन, नीचे है फोर इंटू के प्लस टू और k प्लस थ्री। अब आप चेक करें, ये वही चीज है, k प्लस वन चाहिए k प्लस वन, ये थ्री प्लस वन कितना बनता है फोर, तो k प्लस फोर है। यहाँ नीचे k प्लस टू बनता है और k प्लस थ्री बनता है, k प्लस टू और k प्लस, तो ये अपनी आ रही चीज। तो ये वेरिफिकेशन। तो इस तरह से अपन इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।